और आम आदमी पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की नौवीं लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। आम आदमी पार्टी ने 5 विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 117 में से 109 उम्मीदवारों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। और ओपी शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ओपी शर्मा, जहां आम आदमी पार्टी एक के बाद एक लिस्ट जारी कर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर रही है, वहीं पर अगर बात की जाए कांग्रेस की या फिर बीजेपी की, दोनों ही पार्टियां लिस्ट जारी करने में या उम्मीदवारों की घोषणा करने में काफी पीछे रह गई हैं। सबसे पहले तो मैं आज आम आदमी पार्टी में जिन पांच लोगों की लिस्ट जारी की उसके बारे में बता देता हूँ। जालंधर उत्तरी सीट से जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दिनेश दल है, और वहीं समराला से जगतार सिंह, और सहानेवाला से हरदीप सिंह मोगा, और बठिंडा से डॉक्टर अमरदीप कौर, ये जो है पांच लोगों को जो है टिकट दी गई है। और अब तक कुल इनके 109 सीटें हो चुकी है, अब मात्र जो है 8 सीटें ही बची जिसके ऊपर जो है खुद जो जल्द है वो घोषणा हो जाएगी, क्योंकि 28 जनवरी को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। जहां तक बात यह है कि इस बार पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर जो प्रदेश अध्यक्ष भगवंत मान हैं उनको जो है वो देखा जा रहा है, और इस वक्त उनके धूरी जो पंजाब का एक धूरी जिला है उससे उनकी जो है चुनाव लड़ने की जो है वो खबरें आ रही हैं। धूरी के आसपास की जितनी कुछ सीटें हैं वो करीबन 7-8 सीटें उनके तक घोषणा नहीं की, और उम्मीद की जा रही है अगली सूची जब आएगी तो उसमें प्रदेश अध्यक्ष भगवंत मान सहित और कुछ प्रत्याशियों के नाम होंगे और उसके बाद जो है वो फाइनल हो जाएगा। अब बात आती है कि बीजेपी और कांग्रेस की, कांग्रेस की सुविधा में फंसी है कि पार्टी के लोग क्या उनकी टिकटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 5 साल के कार्यकाल के दौरान बेहद भी एक बड़ा मुद्दा रहा है जिसको लेकर जो पंथक वोट है उनके अंदर जो है काफी रोष बना हुआ है। दरअसल अगर हम बात करें तो पंजाब में कुल 5 तख्त सिख धर्म से जुड़े हुए तख्त हैं, और इन तख्तों के आसपास करीबन 15 से 16 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पंथक वोट है, मतलब वो अपने सिख धर्म के प्रति ही वोट डालते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस भी इस दुविधा में है कि क्या बीएसपी का मामला जिसको कहते हैं अमरिंदर सिंह, और उसके बाद 3 महीने में चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार जो है समाधान नहीं कर पाई है, क्या उस मुद्दे को लेकर लोगों के भारी विरोध का सामना ना करना पड़ते। इसके अलावा कहते हैं अमरिंदर सिंह भी अब कांग्रेस के साथ नहीं, वो अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं, तो कांग्रेस शायद ये भी सोच रही है कि शायद कुछ हमारे जो विधायक या बड़े नेता हैं वो शायद उनका दामन थाम लेंगे। अब 5 दिन बचे हैं, अगले मुझे लगता है कि अगले 1 हफ्ते में सारी जो है स्थितियां साफ हो जाएंगी। जहां तक बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त की बात है तो शायद इन लोगों के पास जो है प्रत्याशी है ही नहीं। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पिछले 25 साल से शिरोमणि अकाली दल के साथ जो है गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी, और करीबन 22 से 23 या 24 सीटें ही उनको मिल रही थी। तो इस लहजे से पंजाब में उनका संगठन भी जो है अभी तक पूरी तरीके से फल फूल नहीं पाया था। हालांकि ठीक है जिला अध्यक्ष वगैरह वो है, लेकिन जो बाकी पन्ना प्रमुख या फिर बूथ तक जो एजेंट है वो पंजाब में अभी तक बीजेपी के नहीं बन पाए हैं। वहीं अगर हम पंजाब लोक कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें तो उनकी इससे भी ज्यादा स्थिति खराब है। वहीं अगर हम संयुक्त अकाली दल सुखदेव सिंह ढींसा की बात करें तो इनका प्रभाव सुनाम संगरूर के आसपास की करीबन 10 से 15 सीटों पर है। उपेंद्र शर्मा, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, जिस स्पीड से या जितनी रफ्तार से जितनी गंभीरता के साथ आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है, उन प्रत्याशियों को अपनी सीट पर काम करने का, वोटों को विश्वास में लेने का मौका भी मिलेगा, समय भी मिलेगा। बीजेपी और कांग्रेस साथ में अकाली दल भी इसमें जोड़ सकते हैं, जितना डिले करेंगे जितना देरी करेंगे उतना इनके उम्मीदवारों को भी संवाद बनाने में मुश्किलें तो आएंगी, अपनी बात रखने में, वोटरों तक पहुंचने में दिक्कतें तो आएंगी, क्योंकि वो ही अभी तक इस कॉन्फिडेंस में नहीं है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे, वो उम्मीदवार होंगे या नहीं होंगे। देखिए संतोष, थोड़ा सा अलग हटके सोचते हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी दूसरी बार चुनाव लड़ रही है। पिछली बार 2017 में उसने पहली बार चुनाव लड़ा था, और करीबन 1.5 साल पहले उसने अपनी जो एक्टिविटीज बढ़ा दी थी। तो हम ये कह सकते हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का जो कार्यकाल है, जो एक मतलब उसका जो जीवन है, वो 7 साल की लगभग पार्टी हो चुकी है। वही अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 25 साल से शिरोमणि अकाली दल के साथ अधिकतम 24 सीटें लेकर चुनाव लड़ती थी। इसी वजह से शायद वो अपने संगठन का विस्तार नहीं कर पाई है। पहली बार चुनाव से
पिछले साल जुलाई में जब किसान आंदोलन को लेकर धरने शुरू हुए थे तब उसका गठबंधन टूटा था और उसके बाद किसान आंदोलन जारी था तो वो अपने गठबंधन का विस्तार नहीं कर पाई। वहीं कैप्टन अमरेंद्र सिंह की पार्टी को बने ही 2 महीने भी नहीं हुए हैं और वहीं अगर हम संयुक्त अकाली दल की बात करें तो वो भी जो है 2018 के आसपास बनी है। तो ये सारी पार्टियां जो है आम आदमी पार्टी से एक तरह से शायद इसीलिए जो आम आदमी पार्टी है वो ज्यादा विश्वास में है और इसीलिए अपने जो कैंडिडेट है उसने सुनिश्चित कर लिए हैं। लगभग 109 सीटों पर वो अपने उम्मीदवारों को उतार भी चुकी है। ओपी शर्मा, आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.